मौली के सामने आ गई है एक अजीब सी कश्मकश, जिसमें वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि मौली जब मनोज के कमरे से अपने डैड के कमरे के सामने से गुजर रही होती है, तभी वो अजंता और मनोज को कुछ बातें कहते हुए सुन लेती है। मौली का वीओ आप लोग बोल रही है ऐसा ही वाइट कट। पापा सारी उम्मीदें खुशियाँ मेरे जवाब ने डिपेंड करी। एकदम से मानस के लिए ना बोल के मैं दिल नहीं दुखा सकती पापा का। क्या करूं, टेंशन निकल जाएगी मौली अभी। एंड वाइडर रोल एंड हाँ एंड एक्शन। हल्का सा आ गया ये। हाँ ये मैम उसको भूल जाइए, मास्टर के लिए करेक्ट लग रहा है, कटिंग के लिए अपन करेंगे। मनोज हल्का आगे हाँ रोलिंग एंड कट ओके टर्न टुवर्ड्स देयर। ये रहने दो, ये सारी बातें हुई, टर्न करके गई अजंता उधर। सिर्फ मोमेंट रह सर, अजंता सिर्फ मोमेंट, टर्न करके उधर गई, यहाँ तक आए, ये बातचीत हुई। मनोज खड़े हुए, मनोज खड़े होके आगे आए, चल के आगे आए सर, आइए आइए आइए। हल्का सा लेफ्ट मनोज, बस ये जहाँ वो दोनों बता रहे हैं कि राहुल मौली के लिए कितना कुछ कर रहा है, उससे कितना प्यार करता है, और ये सब देखकर मनोज और अजंता दोनों को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर मौली को भी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर वो राहुल के बारे में क्या सोचे और क्या नहीं। इसीलिए उसने फैसला कर लिया है कि अब जैसा उसके मॉम डैड चाहते हैं, वो उनके सामने राहुल के साथ उसी तरह पेश आएगी, और साथ ही वो दोनों अब अच्छे से हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। वल देखना ये होगा कि जब इसके बारे में मनोज और अजंता को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होता है। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।